ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है एक बार मुझे क्लियर कर देना, ठीक है? प्लीज़ रिप्लाई कर देना मुझे, अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो। वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हैं तो मुझे रिप्लाई कर देना। ओके प्रिया गुसाई इज देयर एंड नंदिनी अन्या। ओके वेरी गुड मानसी सृष्टि। ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। एक गाइस आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आपका ऑप्टिक्स। आई थिंक ओके सॉरी श्रोता इज देयर। ओके ओके डन। सो दैट्स इट आई थिंक, यही है फिलहाल के लिए, ठीक है ना? तो ठीक है गाइस, मैं अब जो अभी आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इस समय, सबको इस समय लेक्चर शेयर कर दो, बिकॉज एज यू नो हम अटेंडेंस लगाएंगे आज, ठीक है ना? तो चलो भाई ठीक है। लेट अस सी विमल इज देयर। विमल ओके डन। ओके सो एवरीवन इज देयर आई थिंक। ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सौरभ इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू द फिजिक्स क्लास बाय सौरभ। ओके सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट काम आज हम लोग अपनी यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 5 जो है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है? बोर्ड में वो नियरली 3 से 4 मार्क्स कंसिडर करती है, तो हम उसको इतनी प्रायोरिटी अभी नहीं दे रहे हैं। उसको हम बाद में दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर्स में अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे रिप्लाई कर दो मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है? हम उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं यूनिट 6 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो है हमारे बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स यही वाली यूनिट कंसिडर करती है, नियरली 14 मार्क्स, ठीक है? सोच के देखो 14 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो आपको क्लियर कर दूं, आज सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे के लेक्चर जैसे जैसे मैं आगे करता जाऊंगा वहां पे टॉपिक टफ होते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। सबसे पहली चीज क्या है आपकी स्क्रीन पे? वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। अच्छा वर्चुअल और रियल इमेजेस देखो हम सब लोग जानते हैं। ओके वर्चुअल और रियल इमेजेस क्या होती है हम सब लोगों को क्लियर है, बहुत इजी है। अगर बचपन से हम लोग इस चीज को सुनते आ रहे हैं, रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जिस इमेज को मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकता हूँ दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। या फिर मैं इसका उल्टा ये भी बोल सकता हूँ, द इमेज विच इज ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना? जो हमेशा उल्टी है, जैसे कि अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो सबके सब, है ना? एक मिनट है। सबके साथ अपनी स्क्रीन देखो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट यानी कि सीधी सीधी होती है, यानी कि एक्सिस के ऊपर बनती है, जबकि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज हमेशा एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है, ठीक है? ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और एक्सिस के नीचे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? ओके तो देखो आगे बढ़ता हूं। दिस इज एग्जाम्पल फॉर द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, होलोग्राम यहाँ पे हमें दे रखा है। वैसे तो देखो क्या होता है, दिस इज द रियल इमेज, दिस इज द वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे बस हम इतना बोल सकते हैं, द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कंसिडर्ड एज द रियल इमेज।
इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं आगे, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है कॉपी करना आपको, ये देखो ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है. आपको जो कॉपी करना है वो मैं बता देता हूँ, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट जिसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे प्रॉपर, कि दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज दैट इट लाइज इन विच द दे आर प्रोड्यूस. ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है. रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन रे कन्वर्ज, कन्वर्ज होना क्या होता है अभी आगे समझाता हूँ आपको, वेयर एज अ वर्चुअल इमेज अकर्स व्हेन द रेज आर डाइवर्स. ठीक है, ये दोनों शब्द मैं आपको आगे समझाऊंगा कि डाइवर्स और कन्वर्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं है, चलो मैं आपको समझा रहा हूँ. Also, the real image can be obtained on the screen, whereas virtual image cannot be obtained on the screen. Topic number, point number third, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, ये आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. ठीक है, जो जो अभी आए हैं प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दो बेटा अपने नाम के साथ, सचिन एंड आई थिंक कनिष्का, राइट, सचिन एंड कनिष्का. गाइस प्लीज डोंट डू द लेट अपेयरेंस, ठीक है, लेट मत होइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात. और कोई है जिसने अभी तक नाम नहीं सा, गुड मॉर्निंग, एक बार रिप्लाई कर दो गाइस, जो जो यहाँ पर हैं एक बार अपने अपने नाम के साथ रिप्लाई कर दो, ठीक है, जल्दी से सबके सब अपने अपने नाम के साथ रिप्लाई कर दो पहले. एवरी वन ऑफ यू कम ऑन फास्ट, एवरी वन अपने अपने नेम्स के साथ रिप्लाई कर दो. ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ आप. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू सो मच. ठीक है, और अगर आपको क्लियर है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज रिप्लाई जरूर कर देना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ताकि पता लग जाए कोई प्रॉब्लम चल रही है. ठीक है, प्लीज बता जरूर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी. ओके, सो द नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन द स्क्रीन नाउ. द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज इज रिटन ऑन द स्क्रीन नाउ. See, real images are always inverted. ये मैं आपको बता चुका हूँ. Virtual images are always erect. जो real image होती है वो हमेशा उल्टी होती है, जबकि virtual image हमेशा सीधी बनती है. Convex lens जो होता है वो आपका real image बनाता है. Real image जो होती है वो screen पे बनती है, आप उसे obtain कर सकते हो. Concave mirror भी आपका real image बनाता है. Real images are formed due to actual intersection of light rays. Now that is very important line. ये actual का मतलब क्या होता है ये आपको मैं आगे diagrams में clear करूंगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. And now let us talk about the virtual images. Virtual images are basically formed by the concave lens and convex mirror. ठीक है, concave lens, देखो ये जो मैं condition लिखा रहा हूँ ना आपको, ये चीज कहीं पे note down जरूर कर लेना बेटा, कि virtual image कौन बनाता है. Virtual image हमेशा concave lens और convex mirror ही बनाते हैं. ठीक है, ये condition है, इसको याद रखना है बेटा आपको. ये आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है, घुमा फिरा के. तो आपको ये चीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन नाउ. रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज व्हेन द लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब लाइट जो होती है वो किसी स्क्रीन पे टकरा के वापस जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सी देयर आर, हमने 10th क्लास में इस चीज को पहले भी पढ़ा है, कि ये रही हमारे पास इंसिडेंट रे और ये रही रिफ्लेक्टेड रे. तो जब इंसिडेंट रे एक मीडियम पे पड़ेगी, यस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जब इंसिडेंट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम. मतलब लाइट जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में चली जाएगी. मतलब 10th क्लास में हम लोग इस चीज को बहुत डीपली पढ़ चुके हैं. तो हियर इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये भी क्लियर है हमको कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सेकेंड थिंग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. यानी कि अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देन बोथ द एंगल्स विल बी सेम. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, ओके, डन.
गाइज नाउ जस्ट टेक आउट योर कॉपीज. अब यहाँ पे जो मैं चीज समझाने वाला हूँ वो आपको अपनी कॉपी में करनी है अभी के अभी. सो एवरी वन ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक. देखो बाकी सबकी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी, बट अभी जो मैं समझाने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज. सो सबसे पहले आप सब लोग अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो, ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी से. लुक एट ट्राइंगल्स एफ ई डी एंड एफ ए वन बी वन, दिख रहा है सबको एफ ई. देखो यहां पे हम बेसिकली हम लोग ड्राइव करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला. यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है. मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे. तो आप लोग अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो और सबसे पहले ये वाला डायग्राम सबके साथ अपनी अपनी कॉपीज में ड्रॉ करो, ठीक है. सबसे पहले ये वाला डायग्राम और इसी लेबलिंग के साथ जैसे ही आप लोग ड्रॉ कर दोगे मुझे रिप्लाई करो, ठीक है. जल्दी से सबके सब डायग्राम को ड्रॉ करो और उसके बाद मुझे रिप्लाई करो. एवरी वन फास्ट. ओके जल्दी से ड्रॉ करो बेटा. एंड देखो जो भी लेक्चर से इस समय एबसेंट हो रहे हैं प्लीज इस चीज को मत करिए, बिकॉज यहाँ पर आप जानते हो, है ना, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा. सो कैन लीव इट. ओके सो आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस थिंग. सो एवरीवन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. सबके सब अपनी अपनी कॉपीज में डायग्राम ड्रॉ करो और सबके सब रिप्लाई करो जल्दी से जैसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है. फिर मैं और लेबलिंग यही होनी चाहिए बेटा जो यहाँ पे है. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. Okay, so just waiting. Okay. ओके सोनम ने कर लिया है. विमल, सोनम, हेमंत, सृष्टि. ओके बाकी कहाँ हूँ भाई, बाकी सब कहाँ हैं. अमित, श्रद्धा भैया, अभी 6 लोगों का रिप्लाई आया है. 4 3 7 7 लोगों का, सॉरी. जिन जिन के रिप्लाई आएंगे जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, जल्दी 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 बनाओ, आराम से बनाओ, साफ साफ बनाना, ठीक है. बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं मैं, उसके बाद ही आपको डेरिवेशन समझ में आएगी. सो प्लीज सबके सब साफ तरीके से बनाना बिल्कुल. ओके सचिन, नंदनी, अमन. ओके वेरी गुड वेरी गुड. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके अभी तो सबने तो नहीं रिप्लाई किया है आई थिंक. विमल, सोनम, हेमंत, सृष्टि, तानिया, आई थिंक परिचय पर प्राची इज देयर. अमित, श्रद्धा, सिद्धांत, अमन, अन्या, सिद्धांत, सचिन, नंदनी. ओके ओके डन, ठीक है. चलो कोई नहीं, जिन्होंने रिप्लाई कर दिया है मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है. अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ. जस्ट देखो मैंने यहाँ पे 2 रेड मार्क करे, हेडिंग डाल देना आप लोग मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ठीक है. रफ में करना कोई दिक्कत नहीं है, फेयर में करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल. आप रफ में करना सबके सब. नाउ सी फोकस ऑन द 2 ट्राइंगल. सबसे पहले सबके सब अपने अपने डायग्राम में ए सी बी ट्राइंगल को ढूंढो. ए सी बी ये ट्राइंगल है, ए सी बी एंड अनदर ट्राइंगल इज ए वन सी बी वन. ए वन सी बी वन, सबको ये 2 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, है ना. सबको ये 2 ट्राइंगल्स तो क्लियर है. अब ये पेयर आपको नजर आ रहा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको 9th क्लास और जो 10th सिमिलैरिटी कौन सी क्लास में पढ़ी थी भाई तुम लोगों ने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 9th और 10th. अरे बताओ भाई बीपीटी कब पढ़ी थी, 9th में 10th में. वेरी गुड, ठीक है. 10th में पढ़ी थी सबने, है ना. अब देखो आपने बीपीटी में पढ़ा होगा इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो बायो वाले स्टूडेंट है, मैं उनको एक बार छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. बायो वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ठीक है. अगर मान लो आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ए
बी सी पी क्यू आर, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं, सबके सब ध्यान देना, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बायो की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो मैं यहां पे एक बार समझा देता हूं। अगर आपको बोला जाता है, लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द ट्राइंगल्स विल बी कंसिडर्ड एज सिमिलर। आपको बस दो एंगल इक्वल प्रूफ करने होते हैं, सिर्फ दो एंगल्स। इन दैट केस द ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड एज अ सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर कंसिडर हो जाएंगे। और आप क्या कर सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज द बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। सबको क्लियर है? चलो अब मैं आपको आगे डेरिवेशन का समझाता हूं, डेरिवेशन में बताता हूं कि मैंने आपको ऐसा ये क्यों समझाया, ठीक है। चलिए एक मिनट, प्लीज, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो यहां से ध्यान देना, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं। देखो मैंने आपको बोला था दो ट्रायंगल्स पे फोकस करना है, ए सी बी, ये रहा ए सी बी, ठीक है। डायग्राम में देखना, ए सी बी और दूसरा ट्रायंगल था ए वन सी बी वन, यानी कि ए वन सी और बी वन, ये तीन, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब यहां पे आपको क्या फोकस करना है, अगर आप इसको देखोगे, देखो यारा एंगल देखना है, ये वाला एंगल और यारा एंगल, दीज एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। वन एंगल इक्वल, ये एक दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है बहुत, सबसे बेसिक बात बताई मैंने आपको, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल बी वन सी ए वन, यहां पर लिख देता हूं, बी वन सी ए वन इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, वेट, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री है। वट विल हैपन इन दैट केस, एंगल बी वन इज इक्वल टू एंगल बी, सो बोथ आर 90 डिग्री, इन दैट केस द ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड एज सिमिलर। ये जो एंगल ट्राइंगल होगा, ये इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर कंसिडर किया जाएगा, होगा ना, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहां से बीपीटी की मदद से क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी हेयर ए बी अपॉन ए वन बी वन इक्वल टू बी सी अपॉन बी वन सी, ओके। ये चीज लिखी जा सकती है बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ना, That's why मैं BPT की फॉर्म में उन्हें लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, ये मैथ्स का है, ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। मैं पहले समझा रहा हूँ आपको, दो ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं, मैं आपका, ठीक है, ये रहे आपके दो ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिए गए हैं, बी वन ए वन सी बी ए, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये दोनों आपके 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है ए बी अपॉन ए वन बी वन इक्वल टू बी सी अपॉन बी वन सी, सो दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, डन। सबने ये चीज क्लियर कर ली। अब बिल्कुल सेम तरीके से इस चीज को आप देखोगे कहां पे, अब एक मिनट है, क्या हो गया, पेन क्यों हट गया। अब यही चीज आप देखोगे बिल्कुल, ये जैसे आपने दो ट्राइंगल समझे वैसी ये दो ट्राइंगल्स को भी फोकस करो, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी देखो इस डायग्राम में। पहला है एफ ई डी, एफ ई डी, ये रहा पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल क्या है, एफ ए वन बी वन, ठीक है ना, ध्यान से देखो सबके सब, एफ ई डी and this is b1 and this is a1, so clear, again this is the, these two angles are vertically opposite angles, so these are equal and these two are 90 degree each, so clear, ye wala triangle bhi aapka similar ho jayega. ab yahan pe aap kya karoge, de upon a1 b1 is equal to fe upon b1 f, right, ye cheez aapko yahan pe mil gayi, ye likhi hui hai yahan pe, theek hai।
अरे बेटा समझ में आ रहा ना सबको, इजी है, देखो कोई टफ नहीं, और का बहुत इजी चीज है ये, 10th क्लास की चीज है जो आपने 10th क्लास में बीपीटी पढ़ी है, बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके डन, अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका आप देखो यहाँ पे है ना, आपके पास ईडी है, यहाँ पे ध्यान देना ईडी, सब देख रहे हैं ईडी, और ईडी किसके बराबर है, अगर आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम में देखो सबके सब, यह है आपका ईडी और यह है आपका ईबी, एबी, तो ईडी इक्वल टू एबी होगा, ईडी जो है वो एबी के बराबर होगा, राइट। तो मैं इस ईडी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एबी, देखो मैंने ये लिखा हुआ है, ईडी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एबी, बस देखो बाकी पूरा का पूरा सेम है, बस इस ED की जगह मैंने AB लिखा है, बाकी इक्वेशन 2 इज रिटन एज AB अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू EF अपॉन FB1 FB1। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ सी इक्वेशन 1 इज AB अपॉन A1 B1 एंड इक्वेशन 2 इज AB अपॉन A1 B1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, BC अपॉन B1C इज इक्वल टू EF अपॉन एफ बी वन, लिख सकता हूं ऐसे, भाई रिप्लाई कर दो जल्दी से, यस और नो, रिप्लाई में यस और नो जल्दी से बताओ भाई, यहां तक किसको ये टफ लगी, यहां तक किसको समझ में नहीं आया, देखो सबसे बेसिक डेरिवेशन है इस समय, किसको समझ में नहीं आया बेटा जल्दी बताओ, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सब करेंगे बेटा, रिप्लाई करेंगे सब करेंगे, ये एक दो वाला सीन नहीं होना चाहिए, जल्दी से यस लिखने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे जल्दी। ओके वेरी गुड, अमन ने हाँ लिखा है और जानवी लिखा गॉट इट सर, ओके जानवी वेरी गुड, ठीक है डन, ठीक है। सो बीसी अपॉन बी1सी इज इक्वल टू ईएफ अपॉन एफबी1, सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, अब बस हमें क्या करना है, देखो अब यहां से मैं आपको एक छोटी बात और बताता हूँ, देखो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, और ये आपकी फोकल लेंथ है, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, ठीक है। ये चीजें हमने 10th क्लास में पढ़ी है, वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है बीसी पे, ठीक है, सबके सब देखेंगे, देखो बीसी ये रहा, ये जो इतनी सी लाइन है दिस इज कंसिडर्ड एज बीसी। अच्छा मैं इस बीसी को ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर ध्यान दोगे आप तो मैं इसको लिख सकता हूं ईसी माइनस बीई, सबके सब अपनी अपनी कॉपी में एक जगह पे लिखो इनको, सबके सब अपनी अपनी कॉपी में इसको ऐसे लिखो, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं सबके सब ऐसे लिखो, जो बीसी है वो किसके बराबर है, ईसी माइनस बीई के बराबर, किसके बराबर है, ईसी माइनस बीई के बराबर है, राइट। आप डायग्राम से देख सकते हो, देखो सबके सब देखो, छोटा सा लॉजिक लगाना है, वैसे बी वन सी किसके बराबर है, अब देखो ये रहा बी वन सी, ये रहा बी वन सी, इतना सा, तो बी वन सी को क्या कर सकता हूं, इस पूरे में से यानी कि बी वन ई में से मैं माइनस करूंगा सीई को, किसके बराबर आ जाएगा, बी वन सी के बराबर, है ना, बी वन ई, ध्यान से देखो डायग्राम में, बी वन ई में से सीई को माइनस करोगे बी वन सी आ जाएगा आपके पास, डन। अब बात आती है ई एफ की, तो ई एफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज द फोकल लेंथ, ई एफ किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, और एफ बी वन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एफ बी वन, हियर इज द एफ बी वन, सी दिस इज द एफ बी वन, ठीक है, सबको जब दिख रहा है, ये रहा आपका एफ बी वन, नाउ एफ बी वन कैन बी रिटन एज ई बी वन माइनस ई एफ इक्वल टू एफ बी वन, ये तीन चीजें सबके सब नोट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपीज में, जल्दी से करो और जल्दी से बताओ मेरे को, हैव यू गाइस नोटेड डाउन, जस्ट रिप्लाई फास्ट एवरीवन, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, ये तीन चीजें नोट डाउन कर लो सबके सब, ठीक है, ये तीन चीजें सबके सब नोट डाउन करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तीन चीजें जो हमने यहाँ पे नोट डाउन करी है ना, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। देखो अगली इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो वो जो तीन वैल्यूज आपकी कॉपी में है, जो तीन जो मैंने आपको वैल्यूज दिखाई है, देखो अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ये रही वैल्यूज, ठीक है, ये देखो बीसी किसके बराबर था, ईसी माइनस बीई। अच्छा अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक चीज करी है कि जो E है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P है ना, तो जहां जहां पे आपने E लिखा है, ये देखो ये रहा,
देखो ई और पी जो है वो बहुत ही क्लोज पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट्स हैं, तो दैट्स व्हाई जहां पे आपने ई लिखा है वहां पे अगर आप पी लिख दोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है, ठीक है, आप चाहे तो ई को ई रहने दो, आपकी अपनी मर्जी है, ओके। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, आप इस इक्वेशन में वो वैल्यूज डाल दो जो जो मैंने आपको बताई है, बीसी की वैल्यू डालो, बी वन की वैल्यू डालो और एफ बी वन की वैल्यू डालो, जल्दी से सबके सब जल्दी से अपनी अपनी वैल्यूज डालो जल्दी से एवरीवन, आपको P लिखने की जरूरत नहीं है, आप E से भी काम चला सकते हो, ठीक है, वो गलत नहीं होगा, एवरीवन जल्दी से भाई जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो मुझे। तो सबने वैल्यूज डाल दी हैं, श्रद्धा, प्रिया, विमल, जानवी, आई थिंक कनिष्का इज देयर, कनिष्का इज देयर नॉट कनिष्का, आई ये आई थिंक सी इज प्राची, वेट 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 सडन ओके ओके डन दैट्स इट नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो सबने ये चीज कर, अब आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले आपके पास क्या था, बी आपने वैल्यू डाली बी सी इक्वल टू ई सी माइनस ई बी, राइट, ये वैल्यू आपने डाली, अब अगर आप ध्यान दोगे ई सी किसके बराबर था, ई सी किसके बराबर था, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसके बराबर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जहां पे आपने ई सी लिखा है वहां पे लिखो माइनस आर, माइनस क्यों लिखोगे, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है ना, चलो यहां पे देख लेते हैं, EC की जगह लिखोगे माइनस आर, और जहां पे आपका EB है EB की जगह क्या लिखोगे, माइनस यू, यानी कि प्लस का यू हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी यहां पे माइनस भी है ना पहले से, तो जहां पे भी आपका EB है वहां पे लिखो माइनस यू, और जहां पे भी आपका EC है वहां पे लिखो माइनस आर, तो सबसे पहली टर्म बनी आपकी माइनस आर प्लस यू, ये रही माइनस आर प्लस यू, देन इट कम्स PB1 यानी कि EB1 माइनस PC, यही रहा आपके पास ई B1 माइनस EC, राइट, अब EB1 किसके बराबर है, सबके सब ध्यान दो, EB1 किसके बराबर है, माइनस V के बराबर, इमेज डिस्टेंस है ना भाई, EB1 इमेज डिस्टेंस ही तो है, स्क्रीन पे देखो अपनी, और EC किसके बराबर है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन, दैट इज प्लस R, ये हो जाएगा प्लस R, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे है और पहले से माइनस है वहां पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है एवरीवन, ओके, एंड एट द लास्ट दैट इज एवरी वन, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ई बी वन माइनस ई एफ वन, नाउ ई बी वन भी और क्लियर दैट माइनस वी एंड ई एफ वन किसके बराबर होगा आपका, ई एफ सॉरी ई एफ होगा बस, ई एफ इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, सो माइनस माइनस प्लस एफ विल बी देयर, ये हो जाएगा आपका, ये आपकी तीन वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बता दी, जो जो आपने लेट किया था वहां पे इन वैल्यूज को डाल दो जल्दी से, ओके, नाउ सी अब एट द एंड क्या होगा आपके पास, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बननी है, माइनस आर प्लस यू इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन बनी है, सबकी इक्वेशन देख लो, सबकी यही बन रही है ना, एक बार चेक कर लो सबकी सेम बन रही है, यू माइनस आर अपॉन आर माइनस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ माइनस वी, सबकी सेम बन रही है एवरीवन, ओके डन दैट्स इट, वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड, मैं भी एक इमोजी भेजता हूँ यार, मैं भी सीखता हूँ इमोजी भेजना, ये लो मेरी तरफ से इमोजी, ठीक है डन, सबके सब खुश हैं भाई, अर्ली मॉर्निंग वेकअप वीडियो, ओके डन, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, तो गाइस ये रहा, अब देखो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जय माता दी खाता हूँ, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो बस, ठीक है बायो वाले भी कर लेंगे आराम से,
मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे दैट यूवी माइनस यूएफ माइनस वी आर प्लस आर एफ एंड आर एफ माइनस वी वी, आर एफ आर एफ यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, आपके पास ये सब बचेगा। सो एवरी वन ऑफ यू कम एंड नोट इट डाउन, आपके पास बचा यूवी माइनस यूएफ माइनस वी आर प्लस वी एफ इक्वल टू जीरो, ठीक है। आर की जगह आप लिख सकते हो टू एफ, तो यूवी माइनस यूएफ माइनस टू एफ वी प्लस वी एफ इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो जाएगा आपके पास यूवी माइनस यूएफ माइनस वी एफ इक्वल टू जीरो, तो यूवी इक्वल टू यूएफ प्लस वी एफ इक्वल टू नहीं, तो यहां से आपका देखो क्या करोगे, एफ कॉमन ले लोगे, तो यूवी अपॉन एफ इक्वल टू यू प्लस वी, राइट, और इस uv को यहां अपॉन में भेजोगे तो 1 अपॉन f is equal to 1 अपॉन v plus 1 अपॉन u, so that's the mirror formula, that's it, clear everyone, जल्दी से सबके सब इसे नोट डाउन करो प्लीज जल्दी से। सबने कर लिया है, ये था आपका एंड अप मिरर फॉर्मूले का, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम सब लोगों ने पहले भी इस चीज को समझा है दैट इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। कोई भी लाइट जब किसी मीडियम से ट्रेवल कर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज द रिफ्रैक्शन प्रोसेस। When the light is bending, when there is a deviation in the path of light, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, लिख लो सबके सब, देखो जो डेफिनेशन स्क्रीन पे आप चाहे इसे भी लिख सकते हो या जो मैं बोल रहा हूं आप उसे लिख सकते हो। The refraction is the process when the light travels from one medium to another medium, then it deviates from its path, ठीक है। अगर आपको ये लिखनी है आप लिख सकते हो, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, This is called as refraction. इसी चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला तो वही है जो आपका रिफ्लेक्शन में होता है, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आई ऑन द सेम प्लेन। नाउ सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट, दैट साइन आई अपॉन साइन आर, दैट एंगल साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये हमेशा किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वन एंड टू, देखो वन एंड टू यानी वही ना, वन म्यू म्यू टू एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वन एंड टू एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज समझा दूं, व्हेन आई राइट, जब मैं लिखता हूं वन म्यू टू, वन इस तरीके से लिखता हूं, इसका मतलब होता है दैट म्यू टू अपॉन म्यू वन, ओके, यानी कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इसका सीधा सा मतलब होता है लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपके लिए लिखता हूं ए एन जी, इसका मतलब है एन जी अपॉन एन ए, देखो एन और म्यू एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में आपको म्यू दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको एन दिखेगा, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप लिख सकते हो, क्लियर। तो n is equal to mu, यहां पे आप इस चीज को देख सकते हो। अब यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि when the light is going from air to glass, light कहां जा रही है, air से लेकर glass में, याद रखना सबके सब इस चीज को। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं जी एन ए, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही है, तो डिफरेंस को समझना सबके सब, ठीक है। जो चीज पहले लिखी जाती है यानी कि पहले जो भी मीडियम होगा लाइट उसमें से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, और लिखने का तरीका क्या रहेगा, ng अपॉन na, हालांकि वेलोसिटी को हम ऐसे लिखेंगे v1 अपॉन v2 यानी कि va अपॉन vg, और वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे लिखी जाएगी, लैम्डा a अपॉन लैम्डा g। सो यू कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ और वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो एवरीवन इज क्लियर नाउ, ये फॉर्मूला सबको क्लियर होना चाहिए एवरीवन। कल मैं रिफ्रैक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, कल मैं आपको लेंस फॉर्मूला भी करवाऊंगा, तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं।
गाइस अगर आपको कोई भी इश्यू था, कोई भी प्रॉब्लम थी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी रिप्लाई करो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम थी तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मेरे को आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सबके पास व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट 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 डे गाइस। बाय बाय।